हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम देखेंगे एपीएफसी एग्जाम के रिगार्डिंग। हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने ईपीएफओ, ईओ और एओ के एग्जाम के रिगार्डिंग बात की थी कि हमें कैसे क्या उसकी प्रिपरेशन करनी है। अभी हम इसमें हम बात करेंगे आपके एपीएफसी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो एपीएफसी एग्जाम और ईपीएफओ एग्जाम में डिफरेंस क्या है, हम वो देख लेते हैं। देखिए, दोनों ही एग्जाम में लगभग आपका जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। आपका ईपीएफओ एंड एपीएफसी में ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% सिलेबस सेम रहेगा। डिफरेंस आ जाता है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे, एंड कुछ चीजें आपकी एड ऑन हो जाती हैं एपीएफसी के रिगार्डिंग। जब आप असिस्टेंट कमिश्नर के रिगार्डिंग जब आप प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली पोस्ट भी आपकी हाई है ये ईपीएफओ से। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस देखेंगे उसका लेवल हाई होगा एज कंपेयर टू ईपीएफओ एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और हम इसे कैसे कवर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो लोग आप 30 से कम एज के हैं वो दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो लोग 30+ हैं, अगर वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप मतलब ओबीसी SC ST आप नहीं हैं, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप मतलब किसी कैटेगरी में नहीं आते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, तो आप 30 के बाद में आप ईपीएफओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप खाली एपीएफसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एपीएफसी की मैक्सिमम एज लिमिट 35 रखी गई है। आई होप आप सभी को ये चीज पता होगी। चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, इसका सिलेबस कैसे क्या रहने वाला है और किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं अपने जो हमारे लास्ट टाइम का जो पेपर था उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। बट ऑल्दो जो भी पैटर्न रहेगा, जो भी मतलब क्वेश्चन है, वो ऑल्दो इतने ही रहने वाले हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम उसको लेकर देख लेते हैं कि हमें कैसे क्या प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। जो हमारा है जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। जनरल इंग्लिश जो आपका ईपीएफओ में आएगा वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। बट यस, आपका जो एपीएफसी में जो आपके जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस आपके मतलब आपको जहां तक है 10 to 12 तक क्वेश्चंस आपको जनरल इंग्लिश से देखने को मिलेंगे, और ये सारे ही टफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मतलब जो हम ये क्वेश्चन आपके जो हैं 10 to 12, तो इसमें मोस्टली आपसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर का, फ्रेजेस का आ सकता है। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इस पूछे जाएंगे। बट यहाँ पे जो वर्ड वो देंगे आपको, एंटोनिम्स सिनोनिम्स की भी बात की जाए तो भी काफी टफ पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा इस पोस्ट में तो स्पेशली। ठीक है, तो आपको उस तरीके से अपनी इंग्लिश को ध्यान देना है इंग्लिश पे। ठीक है, तो ये तो आपका इंग्लिश का पोर्शन हो गया, और ये मतलब इजी उन बच्चों के लिए हो सकता है जो अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मतलब इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है, अगर द हिंदू के भी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं वो टेलीग्राम वगैरह पे भी काफी ग्रुप बने हुए हैं, तो आप वहां पे भी जाके सर्च कर सकते हो। डेली कीवर्ड्स जो होते हैं ना, मतलब एडिटोरियल से निकले हुए, और ये सारे जो मीनिंग, जो वर्ड आपके नए नए जो वर्ड होते हैं, आप इनको अगर करते हो तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी रहेंगे आपके एग्जाम में। फिर प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं, टेस्ट सीरीज जो होती है रहती है इसकी, तो आप उससे प्रैक्टिस करिए। या फिर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी वन डे एग्जाम्स जो आपके यूपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं, आप उनसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक पे हम बात करें तो सेकंड में है आपका इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करेंट इवेंट्स। यहाँ पे आपको मतलब तीन टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्रीडम मूवमेंट्स खाली आपका जो, अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो वहां पे आपकी खाली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपसे पूछा गया है। वहीं एपीएफसी में ये तीनों ही चीजों को मिला के लगभग आपके क्वेश्चंस आपको 12 से 15 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करंट इवेंट मान लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल, तो वही आपका हो गया इंडिपेंडेंस तक। जो भी आप स्पेक्ट्रम की बुक भी अगर आप पढ़ोगे ना ईपीएफओ के लिए, तो वो यहाँ भी काम करेगी आपकी। इंडियन कल्चरल हेरिटेज के लिए आप जो आर्ट एंड कल्चर है उसकी बुक पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ने के बाद में जितना हो सके क्वेश्चंस लगाइए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। करंट इवेंट पे जो क्वेश्चंस आते हैं,
आप उनको लगा सकते हैं, करंट इवेंट से रिलेटेड, मतलब कोई भी मतलब हिस्ट्री की कोई चीज है जो अभी करंट में है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया। बाकी इंडियन कल्चर पे मैं एक चीज और बोलूंगी कि अगर जो भी प्रीलिम्स के जो एग्जाम्स होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो उसमें भी जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको भी आप लगा। देखने को मिलेंगे। सोशल सिक्योरिटी बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप कोई भी नॉर्मल अगर बुकलेट है मार्केट में, आप उससे भी करोगे तो हो जाएगा। स्कीम्स जो है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपको उसको कवर करना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाईटी पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं। आपको जो ईपीएफओ में बताया था, आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। ओके, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें हम अगर बात करें तो पॉपुलेशन को आप सेंसस 2011 से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, आप उनको उनकी स्टडी कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन जो हमारा दिया हुआ है, आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी रिफर करिए, ज्योग्राफी की जो आपकी बुक है आप उसको रिफर करो। यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक है, ठीक है, इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये है हमारा गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे अगर हम क्वेश्चंस लेके चलें तो 10 to 11 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करने के लिए आप अगर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्जाम की, लाइक अगर किसी स्टेट की एग्जाम की या फिर यूपीएससी की एग्जाम की, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लियर कर लोगे इसको, क्योंकि ये सोर्सेज वही हैं। आपको लक्ष्मीकांत यहाँ पे पढ़नी है, उसी से ही आपका हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद में है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी यहाँ पे प्रेफर करिए। और अगर नहीं भी होता है तो आप इस टॉपिक को, अगर आप नहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर हम माने इन तीनों ही टॉपिक से आपको 12 questions देखने को मिलेंगे, जो कि तीन टॉपिक से हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और इंश्योरेंस को कवर कर सकते हैं। इंश्योरेंस में आपकी जो भी स्कीम्स चल रही हैं, लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं इंश्योरेंस से, वही पूछे जाएंगे आपसे। तो आप उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे जो भी करंट आप करेंगे ना, करंट में जो भी आप पढ़ेंगे, वो वह यहाँ पे आपका हेल्प करेगा। एंड एंड इसके अलावा इंडस्ट्री रिलेशन, लेबर लॉज के लिए, मतलब यूट्यूब चैनल्स जो मैंने आपको बताए हैं, लाइक आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी इसको कवर कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू से भी कवर कर सकते हैं। ऐसे आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है, ये है आपका इंडियन प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे वो आपको बेसिक, मतलब जो स्टैटिक जो इकोनॉमी है उसको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों में डिफरेंट है। आपकी ईपीएफओ में आपको स्टैटिक पढ़ना है और करंट आप जो भी पढ़ेंगे उससे रिलेट करके आ सकता है वहां पे, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन ही किया हुआ है प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। लास्ट 1 ईयर से आपके जो भी करंट में चल रही है इकोनॉमी से रिलेटेड, आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। अब 1 ईयर से क्या हम 2022 जनवरी से उठाएं, तो देखिए अभी एग्जाम में काफी टाइम है, तो आप इसको मतलब बोल सकते हैं जून से भी ले सकते हो, जून से आप इसे कवर कर सकते हैं। जो कंपाइलेशन आता है ईयरली कंपाइलेशन, आप उससे कवर कर सकते हो इसको। और इसके अलावा जहां तक हो सके तो स्टैटिक कम पढ़ने की कोशिश करिएगा, योजना है आपकी, ठीक है। और जो मंथली जो मैगजीन्स हैं उसमें जो आपका इकोनॉमी का पोर्शन है, आप वहां से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। अब हम पिक है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड जनरल साइंस। तो इसके लिए आपको देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही नॉर्मल इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप यूट्यूब से सर्च करके वहां पे कोई भी वीडियोस आप देख लीजिए। या फिर इसके अलावा बहुत सारे मतलब जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, ये भी अपनी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, लाइक
बहुत से लोग बैंकिंग के भी एग्जाम्स देते हैं, तो बैंकिंग में भी कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आप वो भी, आपकी जो मैगजीन है वो भी यहाँ पे काम करेगी आपका, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आनी चाहिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड। जनरल साइंस से क्वेश्चंस थोड़े से टफ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जनरल साइंस से या तो आप कोई एमसीक्यू वाली कोई बुक देख लीजिए, जहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू आप लगा लो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे ल्यूसेंट अगर आप पढ़ के जाओगे तो वो भी काम नहीं करेगी। जनरल साइंस से आपके एपीएफसी में बहुत, मतलब टफ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, टफ क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसमें, ठीक है। फिजिक्स भी, मतलब जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी ईपीएफओ में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप एनसीईआरटी पढ़ के भी कर सकते हैं, ल्यूसेंट के बुक पढ़ के भी कवर कर सकते हैं। एलिमेंट्री मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इन तीनों ही टॉपिक से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे पूछे आएंगे। मतलब आप 25 तक क्वेश्चन मान के चलो, 20 से 25 तक आपसे इस टॉपिक से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो जो भी मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं आप इसको अच्छे से कवर करिए। स्टैटिस्टिक के जो क्वेश्चंस हैं, स्टैटिस्टिक के पोर्शन को आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो, बाकी इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप, लेकिन बाकी जो पोर्शन है ना उसको आपको अच्छे से कवर करना है। बट स्किप उस केस में करना है जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, जनरल मेंटल एबिलिटी, आपकी जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इनके क्वेश्चन का लेवल एपीएफसी का मतलब हाई रहेगा एज कंपेयर टू ईपीएफओ। ईपीएफओ में इतना ज्यादा क्वेश्चन, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने अगर 2021 का भी एग्जाम दिया हो तो उसमें भी ना इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे आपसे, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो ईपीएफओ का आपका डेफिनेटली निकलने के काफी चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू एपीएफसी। और जो लोग, जिनकी एज हो गई है, देन प्लीज सीरियसली आप एपीएफसी के रिगार्डिंग प्रिपेयर करिए, और आप कर भी लेंगे। अभी काफी टाइम है आपके एग्जाम में, तो आप धीरे धीरे जैसे जो भी आपका सिलेबस है इसको नोट डाउन करिए और इससे स्टार्ट करिए प्रिपरेशन को। ओके, या आपका एपीएफसी के रिगार्डिंग हो गया कंप्लीट, जो भी इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हमने बात कर ली। अब एज सच इसमें अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, ऐसे तो कोई भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ना इसमें सारे ही आपके लिए लगभग सभी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको सभी कुछ पढ़ना है। बट स्टिल कुछ चीजों को आप कर सकते हैं, जैसे कि एक, मतलब एक सिलेबस में, एक लाइन में अगर तीन चीजें दी हुई हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आपको ज्यादा ही पढ़ना है। तो पढ़ना तो देखिए सारा कुछ है, लेकिन इसको आप ना डिवाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट आप उसको सबसे पहले उठाइए। लाइक आपके गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी से आपके 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से आपके 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एक एक टॉपिक्स है ना, इनको आप पहले कवर करने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आप ईपीएफओ और एपीएफसी दोनों का ही एग्जाम दे रहे हैं तो फ्रीडम मूवमेंट आपका कवर हो जाएगा, वहां से करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। करंट अफेयर जब आप कवर करेंगे उससे आपका इकोनॉमी भी कवर होगा, और जो भी आपके जैसे डेवलपमेंट जो आपका है इसमें एक टॉपिक, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, जो ग्लोबलाइजेशन, तो डेवलपमेंट में मतलब जो भी करंट में जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो आपकी वहां पे कवर होंगी, और बाकी जो स्कीम्स हैं उनको आप ऐसे कवर कर सकते हैं बाद में, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी हो गया आपका, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना इनको आप, मतलब एक तरीके से आप, बहुत चीजें हैं जो ओवरलैप होंगी, तो आप इन सबको, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हो, ईपीएफओ एंड एपीएफसी दोनों को। बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपकी टेस्ट सीरीज जो भी आप देंगे, तो एपीएफसी की जो टेस्ट सीरीज होगी उसके क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई होंगे एज कम्पेयर टू ईपीएफओ। तो वो वहां पे आपके जो भी टेस्ट सीरीज आप देंगे वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको इस इनकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। बाकी हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे हम ये 3 या 4 महीने अपने प्रिपरेशन में दे सकते हैं, इस पे मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, और फिर आप अपने अकॉर्डिंगली अपने टाइम टेबल को बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर मेरे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।